दैट्स वाई हम यहाँ पे कॉल को सिलेक्ट किया है, और रिट्रेस में एंट्री लेना चाहिए, तो रिट्रेस के लिए इंतजार की और यहाँ पे हमने ली एंट्री। ओके, थोड़ा सा रिट्रेस मिला तो मैंने ली एंट्री। आप अगर ऐसे हिट करते हैं, ऐसा कोई गारंटेड तो है नहीं कि पोजीशंस बना लिए है मतलब टारगेट ही हिट करेगा। हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन स्कल्पिंग विद 20,000 कैपिटल सीरीज की डे नंबर 6 में आपका स्वागत है। लास्ट 5 डेज का जो पीएनएल है देख लेते हैं। सबसे पहले तो कल के दिन हमने जो प्रॉफिट बनाया था 1400 रुपीज, चार्जेस लगा 185, नेट रियलाइज पीएनएल 1226 रुपीज। तो चलिए आज भी हम प्रॉपर एनालाइज करते हुए 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। डिसिप्लिन वे से 1 घंटा देंगे मार्केट को, ज़्यादा नहीं देने वाला। तो सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले आप अगर चार्जेस कम करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए 185 रुपीस लगा, ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपीस पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज करते हैं, लेकिन आप अगर ब्रोकरेज चार्ज को कम करना चाहते हैं, फीमेल के नंबर, अपना जो भी फैमिली मेंबर है फीमेल कस्टमर अगर होगा धन में, तो धन में आपको 10 रुपीस पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करते हैं फीमेल कस्टमर के लिए। तो अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है, तो वहां पे अकाउंट ओपन करके 10 रुपीस पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज दे सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन के एनालिसिस। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, एक गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर में सस्टेन कर रहा है, हमारे जैसा कैंडल बना रहा है, राइट। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है, मेजर ट्रेडिंग जोन ये रहा, राइट, 49,950 यानी 50,000 के आसपास मेजर ट्रेडिंग जोन है। इनके अबव अगर मार्केट है तो हमको बुलिश साइड में जाना चाहिए। सिंपल आप देख सकते हो, मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के अबव यहाँ पे ऊपर में सस्टेन करता हुआ। ओके, अभी क्या है ना, हायर साइड यानी कॉल को हमको चूज करना चाहिए ओवरपुट, ओके, जब तक ये इसके नीचे ना आ जाए। अब एंट्री लेने के लिए हमको क्या चाहिए, रिट्रेस चाहिए। ऑलरेडी देखिए गैप ओपन हुआ था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एंड अगेन इट्स गोइंग हायर, तो यहाँ पे भी हमको एक पोजीशन बनाना चाहिए कॉल साइड के लिए, एंड स्टॉप लॉस ऑब्वियसली थोड़ा सा और नीचे आ जाए। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं पोजीशन बनाऊंगा, कॉल साइड का एक स्ट्राइक को ऐड कर लेते हैं। काली जैसे इसका एक्सपायर होने में इसका टाइम है, एक्सपायरी डेट 19 जून, तो हम 0.5 डेल्टा वाला कॉन्ट्रैक्ट को ऐड कर सकते हैं। रिट्रेस मिल रहा है यहाँ पे, बढ़िया रिट्रेस, सही रिट्रेस में हमने एंट्री ली है, ठीक है, रिट्रेस भी मिला है, लेकिन हो सकता है कि एसएल हिट हो जाए, इसीलिए लगाना होगा यहाँ पे एसएल। जस्ट यहाँ पे 1 लॉट के साथ एंट्री लिया गया है, अभी देखिए 10 पॉइंट के आसपास जस्ट एसएल है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, अगर हिट हो जाते हैं तो होने दो, क्योंकि लॉस आपका लिमिटेड है। देखिए मैं जो ट्रेड करता हूँ प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर लॉजिक है, आप थोड़ा समझो। मैं सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड आउट की, कौन सी साइड में हमको जाना चाहिए। यहाँ पे अगर देखे 15 मिनट टाइम फ्रेम में मेजर ट्रेडिंग जोन, ये जो जोन है इसके अबव है, सेंट्रल पिवोट के अबव है, दैट्स वाई हम यहाँ पे कॉल को सिलेक्ट किया है, और रिट्रेस में एंट्री लेना चाहिए, तो रिट्रेस के लिए इंतजार की और यहाँ पे हमने ली एंट्री। ओके, थोड़ा सा रिट्रेस मिला तो मैंने ली एंट्री। आप अगर एसएल हिट करते हैं, ऐसा कोई गारंटेड तो है नहीं कि पोजीशंस बना लिए है मतलब टारगेट ही हिट करेगा, एसएल अगर हिट करते हैं तो करने दो, लॉस बुक करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करना चाहिए। ओके, हो चुका है एसएल हिट, जैसे कि सुबह का मोमेंटम होते हैं मार्केट में उछाल देखने को मिलते हैं, ऐसा हुआ नहीं है, ओनली 176 रुपीज लॉस बुक फ्रॉम दिस ट्रेड, इट्स ओके, पहला ट्रेड हो चुका है डन, अभी भी हम 2 ट्रेड इनिशिएट करेंगे, थोड़ा इंतजार करते हैं, ठीक है, लॉस को लिमिट रखो, लॉस को बड़ा मत होने दो हमेशा। फॉल हुआ है एंड 50,000 के आसपास अगेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मैं इस पॉइंट पे देखिए जस्ट मैं अनदर स्ट्राइक को सिलेक्ट करना चाहूँगा, अनदर स्ट्राइक, देखिए इस पॉइंट के आसपास था 390, अभी 408 के आसपास यहाँ पे मूव दे दिया है, स्टिल मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, तो चलिए मैं कर चुका हूँ एंट्री। आप बोलोगे कि ये एग्रेसिव एंट्री, अगर एसएल हिट हो जाते हैं, अगर एसएल हिट नहीं होते तब तो आप लोगों को सही लगेगा। मैं आपको जस्ट चीज़ें बताता हूँ कि मैंने एंट्री क्यों लिया, मैं मेरे हिसाब से कम कर रहा हूँ, फिर भी आके एसएल हिट होते हैं तो होने दो, लेकिन एसएल प्लेस्ड होना चाहिए, आप हर दिन प्रॉफिट नहीं बना सकते। मैंने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया मैं आपको दिखाऊंगा, हालांकि करंट प्राइजेक्शंस काइंड ऑफ बीआरईज देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने 2 लॉट में नहीं गया। ओके, हिट कर चुका है, 2 बारी हमने फेल हो गया, क्योंकि ओवरऑल प्राइजेक्शन एंड करंट प्राइजेक्शन एक साथ मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल प्राइजेक्शन अगर देखे 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है, इट्स काइंड ऑफ बुलिश, कल के दिन का अगर क्लोजिंग देखे, आज का ओपनिंग अगर देखें तो ओवरऑल बुलिश सेंटिमेंट, बुलिश देखने को मिल रहा है, लेकिन आज जो है जो इम्पोर्टेंट है, करंट प्रोजेक्शन को भी बुलिश होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है, दैट्स वाई हमारा छोटा छोटा एसएल यहाँ पे हिट हो रहा है, एंड सेकेंड पोजीशन से भी हमने 300 समथिंग लॉस बुक किए। ओके, चलो
नहीं पकड़ पाया इसको भी। थर्ड नंबर ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे, करते हैं थोड़ा इंतज़ार। अभी यहाँ पे हम पुट साइड नहीं जाने वाला, पुट साइड हम तभी जाएंगे जब इस लेवल के नीचे आ जाए, तब 950 के नीचे आना पड़ेगा। पिवट को टेस्ट एंड फिर हमने बना लिए हैं प्रीवियस स्ट्राइक जैसा ही है। इसमें हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख रहे हैं 362। चलो यहाँ पे हम 363 पे स्टॉप लॉस प्लेस्ड कर चुके हैं। करंट प्रोजेक्शंस कम्प्लीटली बियरिश देखने को मिल रहे, तो 50,000 से भी बिलो आ चुका है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंट्री। लेट्स सी क्या होते हैं, और यही हमारा लास्ट पोजीशन है एंड फिर हम सेशन को करेंगे क्लोज्ड। स्टॉप लॉस को हटा के जस्ट वन क्लिक में मैं यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ। चलो गाइस मैंने एग्जिट कर दिया, 3 ट्रेड्स हो चुका है डन। आज के दिन हमने थोड़ा जल्दबाजी की जिसके कारण यहाँ पे 314 रुपीज़ के आसपास लॉस बुक करना पड़ा। मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि आज लॉसेस क्या हुआ। देखिए हम मिस्टेक करके ही सीखते हैं, और जो भी मैंने आज मिस्टेक कमिट की वो मैंने आपको जस्ट बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले मेरा जो पहला मिस्टेक ये है, करंट प्राइजेक्शन बियरिश है और मेजर ट्रेडिंग जोन से बहुत ज़्यादा ऊपर में, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है टिल मेजर ट्रेडिंग जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास यहाँ पे आ सकता है। अगर जहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद अगर ये अपसाइड जाना स्टार्ट करते, अपसाइड जाते, तब आप क्या कर सकते, थोड़ा रिट्रेस में एंट्री लिया जा सकता था। लाइक दिस, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने हाई लगाया, थोड़ा सा रिट्रेस आया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गया, फिर थोड़ा सा जैसे रिट्रेस आया तो यहाँ से आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस रहेगा दिस। इस तरह की अगर पैटर्न बनते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल के दिन का क्लोजिंग ठीक ठाक था, आज के दिन ओपन भी गैप अप हुआ, ओपन होने के बाद इसने नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने एग्जिट करके निकल गया। यस कभी कभी मिस्टेक करते हैं, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर एसएल के साथ खड़ा था, प्रॉपर लॉस को लिमिट करते हुए खड़ा था, राइट। तो दो पोजीशन से हमारा लॉस हुआ है, एक पोजीशन में कॉस्ट टू कॉस्ट हमने निकला, इट्स ओके। 20,000 के साथ ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको भी लॉस होता होगा और उसके बाद आप फोमो में आके बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लग जाते हो कि किसी भी तरह से हमको लॉस रिकवर करना है, मत करो, हो जाता है ना। यहाँ पे अगर देखें हम अभी भी स्टिल प्रॉफिट में है, राइट। 1200 रुपीज़ अभी नेट रियलाइज्ड पीएनएल, यहाँ पे अगर 400 भी जाए तो भी 800-700 के आसपास हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करना है, जो भी आप अलग काम कर रहे हो उसमें ध्यान दो, एक घंटा मार्केट के दो सीखो, मार्केट में सस्टेन करने की कोशिश करो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको सीखना है तो मेरे ये जो दो कोर्सेज है बिल्कुल फ्री में, कोर्सेज नॉट फॉर सेल, आपको फ्री में मिल जाएगा। आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर आपका एज बिलो 25 है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में आप अकाउंट ओपन करके यहाँ पे जुड़ से ये दोनों कोर्सेज को वहाँ स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। इसका कोर्स कंटेंट में जाके देखिए क्या क्या सीखने को मिलेगा, एंड देन आप अकाउंट ओपन करके बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।